गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, मैं पुष्पिता मोहंती, हिंदी अध्यापिका। आज आपको पांचवी कक्षा के पल्ला पुस्तक से मेरा देश नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप सभी को मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि इस विषय को पढ़ने से पहले आप अपने हिंदी पुस्तक को खोलकर अपने सामने रखें और हाथ में एक पेंसिल भी लें, ताकि हम जब भी इस विषय में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ बताते जाएं, आप उन शब्दों को लिखते जाएं, जिससे आप जब दोबारा इस विषय को खोलकर पढ़ें तो आपको वह आसानी से समझ में आ सके। आइए इस विषय को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक लाल रंग के ब्रैकेट में नीले रंग से कुछ दिया गया है। पाठ से पहले कविता में मातृभूमि की अद्भुत विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है कवि ने। यहाँ पे क्या कहा है ना, उक्त कविता, उक्त अर्थात मेरे देश नामक कविता में कवि, जो कि हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, उन्होंने अत्यंत ही अद्भुत ढंग से भारत मातृभूमि की अद्भुत विशेषताओं का सुंदर एवं रोचक वर्णन किया है। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ने के उपरांत पश्चात मैं आपको इनके व्याख्या भी समझाती जाऊंगी, अर्थात सरल भाषा में इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो आइए देखते हैं इस कविता को। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हों मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है तन मन संवारती हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सोयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सोहन लाल द्विवेदी। जीवन मूल्य जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आइए बच्चों, अब हम आपको इसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो क्या कर रहा है ना, हमारे गगन को, आसमान को छू रहा है, अर्थात चूम रहा है। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। नीचे क्या है, उस पर्वत श्रृंखला के नीचे क्या है, देखिए हिमालय के नीचे क्या है ना, कौन है, सिंधु अर्थात सागर। क्या कर रहा है, झूमता हुआ सा यानी लहराता हुआ सा वो क्या कर रहा है ना, धरती यानी उस हिमालय के चरणों को धो रहा है, पखारता है यानी धोता है रोज नित। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही, कहाँ से निकली हुई हैं, वो उसी हिमालय से निकली हुई हैं। कौन कौन, गंगा जैसी पवित्र नदी, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदी और भी ऐसी कई नदियां, तो कौन है, गंगा की पवित्र धाराएं वहां से निकली हुई हैं। पल पल नई छटाएं पग पग चेहरे, और क्या हुआ है, पल पल क्षण क्षण प्रत्येक पल में नई नई छटाएं पग प्रत्येक पद पद पर क्या है, वो छह रही है, हमें दिखाई दे रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, ऐसी कौन कौन है ये, यह पुण्य ऐसी पवित्र भूमि, पुण्य क्यों कहा गया, हमने यहाँ पे देखा कि जो सिंधु है वो नित झूम क्या कर रहा है ना, झूमता हुआ उनके पग यानी पैरों को पखार रहा है, आसमान को चूम रहा है ऐसे, और पवित्र गंगा और पवित्र यमुना जैसी नदियां लहरा रही हैं, इसलिए हमारे भारत को हमने क्या क्या कहा, वह पुण्य भूमि किसकी है, मेरी है, वह जन्म भूमि
मेरी है, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मातृभूमि, हम सब भारत माता के संतान हैं, इसलिए हम उसे भारत माता कहते हैं, तो वह हमारे माँ सदृश रही हैं, इसलिए वह मातृभूमि भी मेरी है। झरने अनेक झरते, जिनकी पहाड़ियों में कौन झरते हैं, अनेक झरने कहाँ पर, ना उन्हीं पहाड़ों से, उन्हीं हिमालय पर्वत राह से, ना जाने कितनी पहाड़ियों, उनकी पहाड़ियों से कितने सारे झरने बहते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हूँ मस्त झाड़ियों में, वहाँ का जो, वहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे क्या हुआ है ना, कहाँ पर, यहाँ भारत माता की बात कही जा रही है, ना कि केवल हिमालय की बात। तो हिमालय में, हिमालय और भारत माता में बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, जिनसे अनेक झरने झर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर चिड़ियाँ चहक रही हैं, अमराइयाँ घनी हैं। अमराइयाँ अर्थात आम के फूल को अमराइयाँ कहा जाता है। आम के पेड़ों में जब बहुत सारे फूल लग जाते हैं, जिनसे आम निकलते हैं, वहाँ पर देखा होगा कितना सारा सुगंधित, आपके स्कूल के ग्राउंड में भी बहुत सारे आम के पेड़ हैं, आपने देखा होगा वहाँ जब फूल लगते हैं तो कोयल पुकारती है कि नहीं, बहती मलय पवन, बहती मलय पवन, यानी ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, जो क्या करता है, तन मन को संवारती है, हमारे मन और तन दोनों को वो संवार ले लगती है। वह जन्मभूमि, वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। वह धर्मभूमि, वह धर्म की भूमि है, वह कर्म की भूमि है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जिस धरती पर श्री राम ने जन्म लिया, जिस धरती पर माता सीता ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी, जहाँ श्री कृष्ण ने पवित्र बंसी, पुण्यता था पवित्र, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया, मधुर बंसी सुनाई, फिर पवित्र गीता सुनाया, गौतम ने लेकर जन्म, गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर, जिसका सुयस यानी मान बढ़ाया, जग को दया दिखाई, उन्होंने क्या दिखाया, जग को दया, प्रेम का मार्ग दिखाया, जग को दिया दिखाया, और प्रेम के मार्ग का रास्ता भी उन्होंने दिखाया। वह ऐसी जहाँ श्री कृष्ण ने महाभारत जैसे धर्मयुद्ध में भाग लिया, जहाँ बुद्ध ने क्या किया था, प्रेम का भाव, दया का भाव बतलाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी कवि। जीवन मूल्य मैं दोबारा बता रही हूँ, जन्मभूमि सर्व स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारे लिए हमारे जन्मभूमि ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा, इस कविता का। यहाँ पर आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें आप लिखें, पखार पग यानी पैरों को धोना, नित सिंधु रोज सागर, पुण्य पवित्र। आपकी पुस्तक के पीछे भी शायद कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं, क्या है वो शब्दार्थ, पखारना, धोना पग पैर, नित रोज, सिंधु समुद्र, पुण्य पवित्र, मलय चंदन, पुनित पवित्र, जग संसार। इस विषय, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हमने लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और आप सभी ने इस विषय को लिखा भी होगा। इस समय बच्चों, आप को घर पर रहकर बहुत परेशानी हो रही है, हम जानते हैं कि आप सब बाहर निकलने, स्कूल आने, अपने टीचर से मिलने की बहुत इच्छा है ना, हमें भी आपसे मिलने का बहुत मन है, लेकिन इस समय हम बाहर नहीं आ पा रहे। आप सबसे मेरा सिर्फ यह कहना है कि अपने बड़ों का कहा माने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हंसते खेलते और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।